वेलकम टू ऋषिकेश। आज आपको दिखाते हैं ऋषिकेश का नया स्टेशन और काफी सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए टाइगर, मैं पहुंचा हूं योग नगरी के स्टेशन पे और मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सुंदर स्टेशन मतलब बनाया हुआ है, क्या बताऊं आपको। और आज मैं किसी को पिक करने आया हूं, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा स्टेशन का ही ब्लॉग्स बना जाए, देखते हैं कितने बजे। और अंदर का थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे कि अंदर क्या हाल चाल है, और बताते हैं। काफ़ी सुंदर है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अंदर चलता हूँ मैं, और ट्रेन भी हमारी जिनको लेने आना है आया हुआ हूँ, उनकी ट्रेन आई है ना आई है भी पता करते हैं। ये कुछ स्टेशन के अंदर का नज़ारा काफ़ी सुंदर बना रखा है इन्होंने। अभी ट्रेन आई नहीं है जिनको लेने के लिए, चलिए अब बाहर चलते हैं थोड़ा देखते हैं। ये देखिए नंदी माता और ये भोलेनाथ जी की मूर्ति जो फ्रंट में लगाई हुई है, और ये पार्किंग वगैरह का काफ़ी बड़ा अच्छा और सुंदर बना रखा है उन सबों ने। काफ़ी अच्छा खर्चा करा है सरकार ने और अच्छा स्टेशन बना रखा है। और यहाँ से बताते हैं पहाड़ों पे ट्रेन के लिए आगे कार्य चालू है, आरक्षित पार्किंग कहीं मैंने। और ये थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लगा स्टेशन देख के, और लोग काफ़ी इस टाइम तो लोग फ़ोटो भी खींचने और इसके लिए बहुत आ रहे हैं। बड़ा अच्छा बना रखा है दोस्तों। स्टेशन के अंदर जाते हुए और ट्रेन आने को है, ये प्लेटफार्म टिकट के लिए जो कि अभी कोई नहीं बैठा। और ये देखिए क्या नज़ारा है स्टेशनों को, और वहाँ से देखिए ट्रेन आते हुए सुंदर बना रखा है ऋषिकेश का स्टेशन। और मैं आज जो ट्रेन आ रही है ट्रेन की वेटिंग अभी खाली खाली चलता है योग नगरी ऋषिकेश। और काफ़ी अच्छी सफाई है, साफ सुथरा बहुत अच्छा बना रखा है स्टेशन। ये शायद यहाँ जो ऋषिकेश आके रुकेगी उसके लिए है, और उस साइड मेरे को लग रहा है पीछे की तरफ वो पहाड़ पे जाने के लिए है। लोग तो काफ़ी स्टेशन यहाँ तो ट्रेनें अभी कम ही चल रही हैं, वैसे ही घूमने के लिए आते रहते हैं। और ये ट्रेन जो आ रही है मेरे पीछे शायद अहमदाबाद वाली है, जो कि हमारे जो भी पैसेंजर आ रही है अहमदाबाद से आ रहे हैं, और उनको लेके ऊपर पहाड़ पे थोड़ा चलना है। चलिए ट्रेन बहुत नज़दीक आ चुकी है, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।